आज का हमारा लेक्चर है डाइपोल मोमेंट। इसको शुरू करने से पहले जो है, पीछे वाले क्लासेस के अंदर में हम लोगों ने कितने फॉर्मूलेज पढ़े थे, थोड़ा सा एक बार ही उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा था वो है Q इक्वल्स टू Na, जो कि चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, कितना चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज होगा, उसके लिए हमारा फॉर्मूला आया था। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने कूलम्स फोर्स के बारे में पढ़ा था, कूलम्बिक फोर्स के बारे में, दैट इज वन बाई फोर पाई एब्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो है इन एयर है, क्योंकि एयर में जो होता है एब्सिलॉन R की वैल्यू 1 हो जाती है। दूसरा के बाद तीसरा फॉर्मूला जो आता है दैट इज F इक्वल्स टू, आप जो है आप लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये पहले वाले फॉर्मूले के जैसा ही है, सिर्फ K की वैल्यू जो होती है दैट इज 1/4 पाई एब्सिलॉन नॉट। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ नंबर फॉर्मूला जो है वो वेक्टर रूप में है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, फोर्थ फॉर्म 1 to 2 दैट इज K, या लिखिए 1/4 पाई एब्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इंटू R12 का डायरेक्शन वेक्टर। क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ नंबर जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था वो है फोर्स फ्रॉम 2 टू 1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस फोर्स फ्रॉम 1 to 2, डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा इस केस में। क्लियर है। और ये होगा आपका 1/4 पाई एब्सिलॉन नॉट इंटू मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई पोजिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर इंटू R21 डायरेक्शन वेक्टर। क्लियर है। उसके बाद सिक्स नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा था हमने, E equals to 1/4 पाई एब्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। क्लियर है। ये जो था दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके द्वारा जो एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी E equals to 1/4 पाई एब्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। क्लियर है। इसी में अगर, क्योंकि पीछे के लेक्चर्स में अगर देखें आप, तो हमने लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, पॉइंट पे भी पढ़ा है, सरफेस पे पढ़ा है और वॉल्यूम पे पढ़ा है। तो अगर वॉल्यूम, सरफेस और लाइन इंटीग्रल के टर्म्स में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो वो होगा 1/4 पाई एब्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर। और ये इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 to L। दिस इज फॉर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर है। उसके बाद ये 7 नंबर है। उसके बाद 8 नंबर फॉर्मूला अगर आप देखिए तो इसके लिए हमने पढ़ा था E equals to 1/4 पाई एब्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to S। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा चार्ज का तो उसके लिए हो जाएगा आपका σdS/R स्क्वायर। और ये है आपका फॉर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो है E equals to 1/4 पाई एब्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to V और ρdV/R स्क्वायर। और ये हो गया आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है। यहां पे जो टोटल 9 फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं ये सब के बारे में हमने अपने पीछे के लेक्चर्स में पढ़ लिया। अब जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डाइपोल और फिर डाइपोल मोमेंट। सबसे पहला जो चीज है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि पहले डाइपोल होता कैसे, क्या है, बनाते कैसे हैं, और फिर इसके साथ मोमेंट को जोड़ करके हम टर्म पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। क्लियर है।
तो देखिए, डायपोल जो है ये एक सिस्टम है जिसमें एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, एक सिस्टम है जिसके अंदर एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे से एक फिक्स्ड दूरी, इसको भी लिखेंगे फिक्स्ड डिस्टेंस से अलग करके रखा जाता है। फिर से एक बार, डायपोल जो है वो एक सिस्टम है जिस सिस्टम में एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज और एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्यू और प्लस क्यू को एक फिक्स्ड डिस्टेंस से हम अलग करके रखते हैं और इस डिस्टेंस को हम मानते हैं 2L। क्लियर है? सो डायपोल क्या हो गया? डायपोल एक सिस्टम, एक तरफ माइनस क्यू, एक तरफ प्लस क्यू और दोनों के बीच की दूरी कितनी? 2L। ठीक है, अब ये 2L डिस्टेंस हम क्यों मानते हैं, या यू कहें कि 2L लेने के पीछे लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 2L ही लें, इसका कोई खास लॉजिक नहीं। बट अगर आप देखें, अगर हम इसका सेंटर कर दें तो सेंटर से माइनस क्यू की तरफ दूरी हो जाएगी आपका L, ठीक है, और इसी सेंटर से प्लस क्यू की तरफ जो दूरी होगी दैट विल बी L, ठीक है। सेंटर से माइनस क्यू की तरफ दूरी L हो गई और सेंटर से प्लस क्यू की तरफ जो दूरी है वो L हो गई। तो 2L मान लेने से क्या होता है कि अगर आप 2L मान लेंगे दोनों के बीच के डिस्टेंस को, तो आपको इसको फ्रैक्शन करना नहीं पड़ेगा, आपके लिए इजी हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा आप उसको सिंपली हाफ कर देंगे, सो आपको ओरिजिन से दोनों के बीच की दूरी का ठीक ठाक पता चल जाएगा। सो हमको फ्रैक्शन करना नहीं पड़ता है और इसका हमको एक मैथमेटिकल एडवांटेज मिलता है। सॉल्यूशन जब आप करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर में तो आपको इसका एक मैथमेटिकल एडवांटेज मिलेगा, इसी के लिए हम जो है इसको 2L मान लेते हैं ताकि सॉल्यूशंस के समय हमको प्रॉब्लम ना हो। सो आप भी जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आप इसको 2L मान करके ही बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, डायपोल तो ये बस एक सिस्टम है जिसमें एक तरफ माइनस क्यू और एक तरफ प्लस क्यू। अब सवाल आता है कि ये डायपोल काम क्या करता है, या यू कहे हम तो ये जो वर्ड है डायपोल मोमेंट, ये मोमेंट का मतलब क्या है? डायपोल तो एक सिस्टम है, उसमें मोमेंट का अर्थ क्या है? तो मोमेंट जो है, ये मोमेंट शब्द जो है वो डायपोल के स्ट्रेंथ को दिखाता है। मोमेंट शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल, डायपोल की क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी बिहेवियर कैसी होगी, वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स कितना लगाएगा। तो ये सब चीजें जो है ये सब डायपोल मोमेंट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो देखिए, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो वर्ड है इसमें ये मोमेंट दिखाता है, इट शोज द पावर ऑफ डायपोल, एक तरह से कह सकते हैं कि डायपोल की पावर कितनी है, क्या पावर है वो दिखाता है। तो अगर ये मोमेंट वर्ड है तो बेसिकली अगर आप एक बार रिवाइज करो, रिकैप करो, अगर आप तो आप अपने मोमेंट के बारे में सेंटर ऑफ मास के लेक्चर में, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास 11 सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने मोमेंट के बारे में बहुत पढ़ा है, मोमेंट से ही यहां तक कि हमारी स्टडी चालू हुई थी उसमें, टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो अगर आप देखो, एक डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी हो गई आपकी 2L, सेंटर से इसकी दूरी हो गई L और इसकी दूरी भी हो गई L, सो सेंटर से दोनों की दूरी L। यहां से इस सिस्टम में इतने का डायपोल मोमेंट, ओरिजिन से माइनस Q की तरफ का डायपोल मोमेंट होगा आपका 2L। क्लियर है? ओरिजिन से प्लस Q की तरफ आपका डायपोल मोमेंट होगा QL। सो टोटल इस पूरे सिस्टम का, यहां से यहां तक जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या होगा? दोनों के सम के बराबर, दिस इज इक्वल टू 2QL। क्लियर है? 2QL, या हम इसको लिख सकते हैं Q डॉट 2L, Q डॉट 2L।
सो डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं पी. पी मींस डायपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 एल और इनटू क्यू, या इसको लिख सकते हैं हम क्यू इनटू 2L. क्लियर है, हमने डायपोल मोमेंट को क्वांटिटीफाई कर दिया और डायपोल मोमेंट जो हो गया वो है क्यू इंटू 2L के बराबर. क्लियर है. अब सवाल आता है कि क्या डायपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्वांटिटी है. तो सवाल आता है कि क्या ये स्केलर है या एक ये एक वेक्टर क्वांटिटी. डायपोल मोमेंट जो है क्या एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर और वेक्टर, स्केलर के लिए हमारे पास जो डिफिनेशन है या हमारे पास जो उसको फर्क करने का क्लासिफिकेशन मेथड है वो है कि जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर है, और जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ दिया जाता है वो हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी. तो कहने का मतलब क्या, इसकी मैग्नीट्यूड तो है, हमने यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा, दैट इज पी इक्वल्स टू क्यू एल इंटू क्यू. सो ये मैग्नीट्यूड है, तो क्या इसके पास डायरेक्शन कोई है, और अगर है तो क्या डायरेक्शन. तो डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्लियर. सो डायपोल मोमेंट यहां पे लिखेंगे, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन है, दोनों है इसके पास. अब डायरेक्शन कैसे है या कौन सा डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा देखिए. मैथमेटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो डायरेक्शन की एनालिसिस जब करते हैं तो एक ओरिजिन के एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव. यहां पे भी देखिए, ओरिजिन के एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव. तो डायरेक्शन जब आप कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स में तो हम डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो डायरेक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारा डायरेक्शन कैलकुलेट किया जाता है. दैट मींस कि इसका डायरेक्शन भी वही होगा जो मैथमेटिक्स में हम डायरेक्शन की एनालिसिस करते हैं. क्लियर है. कहने का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट या डायरेक्शन ऑफ एनी सिस्टम इन अ मैथमेटिक्स इज फ्रॉम नेगेटिव साइड टू इट्स पॉजिटिव साइड. नेगेटिव साइड से लेकर के पॉजिटिव साइड या लेफ्ट से लेकर के लेफ्ट टू राइट साइड, लेफ्ट साइड टू राइट साइड. सो यहां पे भी इसका डायरेक्शन जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा. गौर कीजिए, यहां पे इसका डायरेक्शन भी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा. दैट मीन्स लेफ्ट साइड टू राइट साइड, या इसको हम कह सकते हैं फ्रॉम निगेटिव साइड ऑफ डाइपोल टू इट्स पॉजिटिव साइड. क्लियर है. इसकी निगेटिव साइड से इसके पॉजिटिव साइड तक जो है इसका डायरेक्शन होगा, और इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो होगी, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पी इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल. क्लियर है. सो इसको वेक्टर रूप में लिखिए, P वेक्टर इक्वल्स टू Q इनटू 2L, और Q एक मतलब चार्ज, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. सो डायरेक्शन हो गया आपका 2L. 2L विल शो द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट. क्लियर है, लिखिए इसको. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंदर जो टॉपिक है वो है कि डायपोल जो सिस्टम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या उसके द्वारा यू कहें तो उसके द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा या बनाएगा कि नहीं बनाएगा. ठीक है. सो उस पे आते हैं. क्लियर है. देखिए एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा है कि चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा है पहले कि चार्जेस दो तरह के हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर आप आओ तो अट्रैक्शन लगता है,
इसके जो फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के फील्ड को ये अट्रैक्ट कर लेता है। सो अगर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो इसके आसपास की सराउंडिंग में जो है, इसके आसपास के सराउंडिंग में इसका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक दूसरा चार्ज लाया और इसके क्लोज रीजन में हमने रख दिया, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाया और उसके क्लोज रीजन में रख दिया, तो जैसे ही हम इसको रखेंगे ये अपना एक पॉजिटिव फील्ड बनाएगा। क्लियर है? ये अपना एक पॉजिटिव फील्ड बनाएगा और इसके नेगेटिव फील्ड को, इसका पॉजिटिव फील्ड या इसके पॉजिटिव फील्ड को बोले तो इसका नेगेटिव फील्ड अट्रैक्ट कर लेगा और ये टोटल सिस्टम जो है वो एक दूसरे से आकर के अट्रैक्टेड हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से खिंच जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो अब इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव की ताकत खत्म हो जाएगी, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। सो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। क्लियर है? उसी तरह अगर देखो डायपोल के अंदर एक साइड नेगेटिव चार्ज है और एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, अंतर क्या है कि सिर्फ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और बीच की दूरी 2 है। ठीक है, 2 है। नेगेटिव चार्ज जो है वो अपना नेगेटिव फील्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो अपना नेगेटिव फील्ड बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपना पॉजिटिव फील्ड बनाएगा। तो क्या इस दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? यहां पे अगर हम कोई चार्ज यहां पे इसके आसपास कहीं ला करके रखें तो क्या ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ठीक, तो डायपोल जो है उसके आसपास के रीजन में अगर हम कोई चार्ज लाते हैं, कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं, तो वो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। फोर्स लगाता है कहने का मतलब जरूर उसके फील्ड में है, वो फोर्स लगा रहा है मतलब वो उसका फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है तो ही फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम कोई भी चार्ज, सपोज हमने एक चार्ज लाया और हम एक चार्ज यहां रख दिए, टेस्ट चार्ज हमने यहां रख दिया, क्लियर? ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। उसका कारण क्या है कि ये टेस्ट चार्ज जिससे जो दूरी है, ये टेस्ट चार्ज से दूरी प्लस क्यू की सपोज एक्स है, मान लीजिए कि टेस्ट चार्ज से दूरी हो गई x और माइनस से इसकी दूरी हो गई आपका यहां पे y, x और y। इसमें देखिए यहां से डायपोल, ये नेगेटिव पॉजिटिव और यहां पे एक टेस्ट चार्ज किसी भी जगह पे, q से इसकी दूरी x है और माइनस q से इसकी दूरी y है, और इस फिगर के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो यहां पे x जो है वो लेस देन y है, या बोले तो y ग्रेटर देन x है। क्लियर है? y जो है वो x से बड़ा है, सो दोनों ही इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये माइनस भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये प्लस भी इस पे फोर्स लगाएगा। जब माइनस फोर्स लगाएगा तो ये सोर्स चार्ज हो जाएगा और जब ये लगाएगा तो ये सोर्स चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो e की वैल्यू देखिए, e की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के लिए, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाई दोनों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी y स्क्वायर। क्लियर है? यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, E=1/4πε0 इंटू प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे इस इक्वेशन के हिसाब से y जो है वो x से बड़ा है और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². सो कहने का मतलब मोर द डिस्टेंस लेस द फील्ड, डिस्टेंस ज्यादा होगा फील्ड कम होगा, डिस्टेंस कम होगा फील्ड जो है वो ज्यादा होगा। सो r कम है तो E ज्यादा, r ज्यादा तो E कम। तो यहां पे ये y क्या है, ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और x जो है वो नजदीक है छोटा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग बन रहा है, ये कम बना रहा है, ये कम बना रहा है और ये ज्यादा बना रहा है। तो एक्चुअल टोटल जब हम सम अप करेंगे तो हमको फील्ड मिलेगा। क्लियर है? सो कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिए,
कि एक तरफ माइनस क्यू चार्ज है और एक तरफ प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों दूसरे के फील्ड को खत्म कर देगा, ऐसा नहीं। क्लियर है? ये एक दूसरे के फील्ड को खत्म नहीं करता है, बिकॉज उसके लिए लॉजिक देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चार्ज को कहीं पे भी रखेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि चार्जेस को रखने के अलग अलग केसेस को पढ़ेंगे, बट अगर हम चार्ज को कहीं पे भी रखते हैं तो माइनस क्यू से उसकी दूरी कुछ और होती है, प्लस क्यू से उसकी दूरी कुछ और होती है। सो एक जिससे दूरी नजदीक होगी उसके कारण वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जिससे उसकी दूरी कम होगी उसके कारण वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जिससे उसकी दूरी ज्यादा होगी उसके कारण वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको उसके ऊपर मिलेगा, एंड द टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बाय द डाइपोल, डाइपोल के कारण वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? अब जो है नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा इसी के आगे की जो टॉपिक होगी वो है कि डाइपोल के आसपास हम चार्ज को रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। अब चार्ज को रखेंगे, अलग अलग केसेस है रखने के, और कितना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसके लिए उसकी डेरिवेशन कैसे होगी उसको हम लोग लिखेंगे। यहां तक इसको पहले नोट कर लीजिए, और ये फॉर्मूला जो है इसको लास्ट में नोट कीजिएगा, ये क्योंकि आपका एक फॉर्मूला लिस्ट मिल जाएगा लास्ट में, ताकि सॉल्यूशन करने के टाइम आपको आपके पास एक पूरा फॉर्मूला का एक सीट खुद तैयार होकर के रहे। ठीक है? क्लियर है? चलिए देखिए उसको थोड़ा। एक डाइपोल है, यहां से यहां तक एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। हमको इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लाएं और इसके आसपास कहीं पे भी रखें तो उसके द्वारा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस किया जाएगा या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो लगाएगा बिकॉज ऑफ द डाइपोल, या डाइपोल मोमेंट के रिलेशन वाइज वो कितना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसके लिए। देखिए सबसे पहला केस क्या है कि ये डाइपोल है, ये हमने इसके साथ एक उसी के साथ एक लाइन बना दी। ठीक है? और ये लाइन हो जाएगा कौन सा? एक्सियल लाइन। क्लियर है? एक लाइन जो कि मिडवे ऑफ द डाइपोल से पास करेगा इस तरह से। क्लियर है? डाइपोल के मिडवे से पास करेगा, और ये हो जाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसका दूसरा नाम है इक्वेटोरियल एक्सिस, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, वेदर एक्सियल सॉरी वेदर ट्रांसवर्स एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस, और ये वाला एक्सिस हो गया एक्सियल लाइन। तीसरा केस जो हो सकता है वो हम कहीं पे भी रख सकते हैं। पहला केस कि हमने चार्ज रखना है एक्सियल लाइन पे, दूसरा हमको चार्ज रखना है ट्रांसवर्स एक्सिस पे, और तीसरा हमको चार्ज रखना है कहीं पे भी। ठीक है? तो पहला जो लेक्चर है, पहला जो टाइप है वो है एक्सियल लाइन। सो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। अगर एक्सियल लाइन पे हमने कोई चार्ज रख दिया तो क्या डाइपोल कितना उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। क्लियर है? डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी। ठीक है? और इसके लाइन पे सपोज इधर जो है हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ये एक टेस्ट चार्ज हमने इसके ऊपर रख दिया, और सेंटर से इसकी दूरी हो गई आपका R, सेंटर से इसकी दूरी हो गई R। क्लियर है? अब ये पूरा डाइपोल जो है इसका लेंथ 2L, इसका लेंथ 2L, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी माइनस क्यू से टेस्ट चार्ज तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से यहां L हो गया, ये वाला पॉइंट L हो गया। सो L और प्लस R, R प्लस L बोलिए या L प्लस R बोलिए। क्लियर है? यहां से प्लस Q से यहां तक का जो, सॉरी प्लस Q से इस टेस्ट चार्ज तक जो
डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक होगा, सो इसमें से कितना एल माइनस हो जाएगा, पूरे लेंथ में से एल माइनस, सो आर माइनस एल। सो हमारे पास टू डिस्टेंस हो गए, एक माइनस क्यू से आर प्लस एल और एक प्लस क्यू से आर माइनस एल। क्लियर है? अब प्लस क्यू के द्वारा, प्लस क्यू के द्वारा पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगेगा, सो प्लस क्यू के द्वारा इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका नाम दे दीजिए ई वन। सो ई वन इक्वल्स टू, देखिए ई वन इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू, क्यू फॉर सोर्स चार्ज, क्यू फॉर सोर्स चार्ज, क्यू बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर, एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन। क्लियर है? दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगेगा बिकॉज ऑफ माइनस क्यू, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लस क्यू, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा बिकॉज ऑफ माइनस टू और उसका नाम दे दीजिए ई टू। सो ई टू इक्वल टू देखिए क्या होगा, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? सो यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है आर माइनस एल, और यहां से यहां तक, या इसको देखिए यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा फ्रॉम माइनस क्यू। सो दो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ई वन जो है हमने ई वन का नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू से नाम दिया हमने ई टू। क्लियर है? सो ई वन ई टू दो चार्जेस हो गए। अब इस दोनों को अगर आप समअप कीजिए, इस दोनों को जोड़िए, तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई। सो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू। सो ई वन आपका है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू, देखिए माइनस क्यू चार्ज है, सो माइनस क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है? यहां पे सॉल्व करना है तो हमने 1/4πε0 कॉमन ले लिया, क्यू भी कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में सेम क्यू है, कॉमन ले लिया क्यू बाई 4πε0 कॉमन। इसका क्या बचा, 1/r-l का होल स्क्वायर, और ये माइनस ये चेंज कर जाएगा साइन, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 1/r+l का होल स्क्वायर, क्यू बाई 4πε0 इंटू 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या होगा, ये q बाई 4πε0 सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? और ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, सो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर देखिए यहां से हो गया q बाई 4πε0, यहां पे देखिए इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका q बाई 4πε0 बाई यहां से, सॉरी ऊपर छूट गया, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? ऊपर वाले टर्म को भी एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2RL बाई यहां से देखिए बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमने क्या किया,
इसको और इसको एक बार ले लिए और इसको इसको एक बार ले लिए, तो फॉर्मूला बना a माइनस बी ए प्लस बी का। उसके लिए यूज किए हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चले सो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए ये आर स्क्वायर में से ये आर स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, दोनों ऐड हो जाएगा, तो फोर आर एल बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यहां से जो ई हमको मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको मिला, वो है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू एल इंटू टू आर, लिख सकते हैं 4RL को 2L into 2R, क्लियर है, बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डायपोल मोमेंट के लिए देखिए जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो क्या है, P इक्वल्स टू Q इंटू टू एल। सो इसको और इसको लिख लेकर करके डायरेक्ट P लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट। सो ये कितना हो जाएगा, P इंटू टू आर बाई आर सॉरी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब थोड़ा सा देखिए, डाइपोल में एक तरफ जो है निगेटिव चार्ज होता है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का, छोटा सा इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, और सामने उसके पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन जो कि 1836 गुना बड़ा होता है, ठीक है। यहां पे दोनों का साइज अगर कंपेयर करेंगे तो कुछ इस तरह से, इससे भी कुछ ज्यादा डिफरेंस पे बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का साइज कितना है, एल कितना हो जाएगा डायपोल में, नेगलिजिबल। सो एल जो है ये बहुत ही छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू आर, एल जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू आर। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एल विल बी नेग्लेक्टेड, एल जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका ई इक्वल्स टू पी इंटू टू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 पी आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का पावर 4 और ये कट गया आर का पावर 3, सो 2 पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर है? 2 पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on any testing charge experienced when it is placed on a on the axial line of the dipole, ऐसे बोलेंगे इसको। ये जो है वो strength है किसी भी charge का, वो charge जब उस charge को हम dipole के axis के line पे या axial line पे रख देते हैं, ठीक। इसको आप note कर लीजिए। चलिए केस टू पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द सेकेंड टाइप इक्विटोरियल एक्सिस और ट्रांसवर्सल एक्सिस, दोनों में से कोई एक यूज कीजिए, चाहे इक्विटोरियल बोलिए चाहे ट्रांसवर्सल बोलिए, एक ही चीज है। क्लियर है? उसके द्वारा किसी चार्ज के ऊपर, किसी टेस्टिंग चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए हम लोग अब फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं, ठीक। चलिए डायपोल बनाइए, ठीक है, ये डायपोल हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट करता है उसका ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसवर्सल एक्सिस ऑफ द डायपोल। क्लियर है? सो ये जो ट्रांसवर्सल एक्सिस है, मान लीजिए इस ये ट्रांसवर्सल एक्सिस एक ही तरह बना रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस पे कहीं एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए यहां रखा हुआ, ये टेस्ट चार्ज जो है उस सेंटर से, सेंटर ऑफ डायपोल से आर यूनिट ऊपर रखा हुआ है, आर यूनिट ऊपर। क्लियर है? डायपोल लेंथ तो फिक्स्ड हमने मान ही लिया है 2L। क्लियर है? अब देखिए यहां से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और यहां से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दो चीज, एक फोर्स माइनस क्यू से और दूसरा फोर्स प्लस क्यू से, माइनस क्यू से अलग फोर्स, प्लस क्यू से अलग फोर्स।
तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, थोड़ा सा उसको देखिए, क्लियर है? तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालने के लिए हम लगा देंगे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ये 90 डिग्री, ये आर और ये एल, तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो गया ये, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और सेम इस साइड भी, सो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर है? एक चीज देखिए इसमें थोड़ा, कि यहां पे एक टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव को ही टेस्ट चार्ज कहते हैं, तो वो प्लस क्यू के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, सो रिपल्सिव के लिए डायरेक्शन हमने दिया आगे की तरफ, क्लियर है? ये इसके द्वारा एक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, और ये फोर्स हो जाएगा अट्रैक्टिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव, क्लियर है? सो रिजल्टेंट हमको जो है वो इस साइड मिलेगा, दिस इज ई वन या एफ वन बिकॉज ऑफ ई वन, और ये हो गया ई टू या एफ टू, और ये हो गया ई आर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक? चलिए, सो प्लस क्यू के द्वारा, प्लस क्यू के द्वारा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका नाम दे दीजिए ई वन, और ई वन कितना होगा, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू क्यू बाई, ये डिस्टेंस लेंगे हम, क्लियर है? तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो हो जाएगा ये ठीक है। दूसरे केस में माइनस क्यू से वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, के कारण चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, वो हो जाएगा आपका ई टू, उसका नाम दे दीजिए ई टू, सो ई टू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 by 4 pi epsilon naught into minus q by, minus q by r square plus l square, under root होगा तो under root का square कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा under root, clear है? सर उसको लिख ही दीजिए, confusion ना हो, ठीक है? So, इसके ऊपर जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? अब जो है, अब हमको एक रिजल्टेंट निकालना है, इस दोनों का जो है रिजल्टेंट निकालना है, वो कितना निकालना है, कितना आएगा, इसके पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है? अब देखिए थोड़ा सा इसको, यही फिगर को थोड़ा सा बना रहे हैं, यहां पे माइनस क्यू था, यहां पे प्लस क्यू था, यहां पे चार्ज था, क्लियर है? ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर है? अब देखिए ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्लस क्यू के द्वारा, ये अट्रैक्टिव ना होकर करके रिपल्सिव होगा, सो रिपल्सिव डायरेक्शन आउटवर्ड, सो इसका कंपोनेंट डिवाइड कीजिए, क्योंकि दो कंपोनेंट में फोर्सेस बढ़ जाएंगे, ये हो एक कंपोनेंट हुआ e cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके साथ परपेंडिकुलर, और वो हो जाएगा e sin थीटा। ये जो माइनस q के द्वारा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी अट्रैक्टिव, सो अट्रैक्टिव होगा तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा e cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके साथ 90 होगा, और वो हो जाएगा e sin थीटा, क्लियर है? यहां पे e cos थीटा, e sin थीटा, और फिर ये e cos थीटा और e sin थीटा कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के, फोर्सेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, सॉरी, क्लियर है? अब देखो कि यहां पे जो फोर्सेस है e sin थीटा, और यहां पे e sin थीटा, और एक तरफ इधर से ऐसे e cos थीटा और e cos थीटा, तो साइन कंपोनेंट एक ऊपर है और एक नीचे है, साइन कंपोनेंट जो है वो एक ऊपर और एक नीचे है, सो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, सो साइन कंपोनेंट जो होगा e sin कंपोनेंट
कंपोनेंट विल बी कैंसिल्ड ईच अदर, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा। तो हमारा आंसर जो है वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ये आंसर आएगा हमारा E cos थीटा के रिस्पेक्ट में। सो दोनों को जोड़ देंगे, एक्चुअल फोर्स दोनों को जोड़ने के बाद मिलेगा, सो वो हो जाएगा 2E cos थीटा। क्लियर है? रिजल्टेंट क्या होगा? E cos थीटा प्लस E cos थीटा, सो एक्चुअल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी 2E cos थीटा। क्लियर है? और यहां पे अगर आप देखो तो E1 और E2 क्या है, सेम है, खाली सिर्फ चार्जेस का अंतर है, चार्जेस का अंतर मतलब डायरेक्शन ऑफ चार्ज का अंतर है, डायरेक्शन थोड़ा सा पलट जाएगा। क्लियर है? सो इसके लिए फोर्स कैलकुलेट जब हम करेंगे तो देखिए इसको, ये फिगर हो गया। फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो E इक्वल्स टू क्या है, 2E cos थीटा। थीटा कौन सा है, थीटा का थोड़ा सा स्टडी समझिए। ये फिगर थीटा, इस फिगर में ये थीटा। क्लियर है? ये भी थीटा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी उसके साथ एक पैरेलल लाइन है। तो ये अगर थीटा तो ये कितना थीटा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाएगा, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? और ये साइड और ये साइड बराबर है, तो अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा, सो सब थीटा हो गया। तो यहां पे अगर देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हम किससे लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जाइए थोड़ा सा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, स्मॉलेस्ट साइड बेस। क्लियर है? सो ये साइड हो गया बेस और बेस हो गया आपका एल। सो कॉस थीटा जो होगा दैट विल बी एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा हो जाएगा आपका एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है? सो ये कॉस की वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे पुट अप करेंगे। ठीक है? सो 2 इंटू ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कॉस की वैल्यू यहां देखिए, कॉस की वैल्यू एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है? सो ये हो गया आपका 2L इंटू क्यू बाई 4 पाई एब्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए इसका बेस दोनों का बेस सेम है, पावर 1, इसका पावर हाफ, तो 1 और हाफ एड हो जाएगा, बेस सेम तो पावर एड हो जाता है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 3/2। ठीक है? 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाता है। क्लियर है? सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, डाइपोल मोमेंट के बराबर। सो ई इक्वल्स टू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है? फिर देखिए थोड़ा सा, इसमें भी L क्या होगा, बहुत छोटा होगा, डाइपोल मोमेंट में L बहुत छोटा होता है, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, सो L जो है वो नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो E इक्वल्स टू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर का पावर 3/2। सो ये हो जाएगा आपका पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 6 का पावर हाफ। सो दिस इज इक्वल टू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या सिंपली आर क्यूब लिखिए। ठीक है? दिस इज द डाइपोल, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है? अब थोड़ा सा इसको लिखते रहिए। अब हमेशा एक चीज देखिएगा, क्योंकि डाइपोल है और डाइपोल के एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि उसी साइड नेगेटिव लेना है इस साइड पॉजिटिव लेना, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, आपको जिधर लेना है। पर सिग्निफिकेंट फिगर होता है या हमको परेशानी ना हो तो हम क्या लिखते हैं कि लेफ्ट साइड नेगेटिव रख देते हैं और राइट साइड पॉजिटिव रख देते हैं। ठीक है? सॉरी, आपका लेफ्ट साइड नेगेटिव एंड राइट साइड पॉजिटिव, सो ऐसा आप भी कीजिए। ठीक है? उसके बाद
हमेशा डायपोल क्योंकि बहुत छोटा होता है, उसकी दूरी क्योंकि देखो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले रहे हैं अगर हम, तब यह नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। तो इतना छोटा सिस्टम होगा, इतना छोटा सिस्टम कि इसके बीच की दूरी ना के बराबर होगी। तो हमेशा इसी कारण बस एल जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आपने चार्ज रखना है कहीं पे भी रख सकते हैं, चार्ज रखना है तो हमको, हम फ्री हैं चार्ज रखने के लिए, बट डायपोल बनाने के लिए हमको एक उसको उस चार्जेज को एक पर्टिकुलर दूरी पे ही रखना होगा, एक फिक्स डिस्टेंस पे रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम कहीं कहीं रख दिए और वो डायपोल बन जाएगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फिक्स्ड है और वो डिस्टेंस इनफैक्ट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा 0.00001 मीटर के आसपास होता है। तो उतना बड़ा डिस्टेंस हम जो रख रहे हैं उसके सामने ये छोटा डिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाता है। सो हमारा आंसर उसके रिस्पेक्ट में आता है जिस रिस्पेक्ट में हमने उसने रखा है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। फिर थर्ड टॉपिक पे आते हैं, इसी का थर्ड टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल व्हेन एनी चार्ज, व्हेन एनी टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एनीवेयर नियर बाय द डायपोल। डायपोल के आसपास कहीं पे भी अगर एक चार्ज रख दे तो उस केस में उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस होगा उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तब तक इसको लिख लीजिए। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका क्योंकि वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा? देखिए ये फिगर, एक ई कंपोनेंट इधर, एक ई कंपोनेंट नीचे, कॉस उधर और ये कॉस इधर, और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को यहां पर देखिए, ये डायरेक्शन कैसा है? पैरेलल, डायपोल से पैरेलल और अपोजिट। इसके पीछे क्या पढ़ रहे थे हम डायरेक्शन के लिए? नेगेटिव से पॉजिटिव, बट ये क्या हो गया? अपोजिट। सो डायरेक्शन लिखेंगे अपोजिट एंड पैरेलल टू द डायपोल। डायरेक्शन विल बी अपोजिट एंड पैरेलल टू द डायपोल, मतलब डायरेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, चलिए थर्ड टॉपिक पे आते हैं। देखिए एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, डायपोल इसकी जो चार्ज है एक तरफ नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, क्लियर है? और ये पॉइंट इसका सेंटर हो गया। अब एक चार्ज कहीं पे भी रखना है, आप इंडिपेंडेंट हैं, तो मान लो कि हमने एक चार्ज यहां रख दिया, ठीक, एक चार्ज हमने यहां रख दिया, ठीक है। ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज है और इसका पोजीशन यहां से आर हो गया और ये थीटा एंगल के साथ में है विथ द डायपोल। डायपोल के साथ जो है वो थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में है, सो वो हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो डायपोल है, ये डायपोल का प्लस क्यू इस पे एक फोर्स लगाएगा और माइनस क्यू एक फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स के एनालिसिस करने के लिए इसको आप ऐसे करके थोड़ा सा प्लेस कर, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो और एक डायपोल को, ये डायपोल है, इसको ऐसे रखिए, क्लियर है? तो ऐसे रखोगे तो एक ऐसे रखे तो ये आपका एक्सिस की लाइन हो गई और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो ये लाइन कैसा हो गया? ई पैरेलल नाम दिया हमने इसका, ई पैरेलल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? पैरेलल। और ये कैसा है? परपेंडिकुलर। सो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, ठीक है। पैरेलल कौन कैसे? पैरेलल बिकॉज ये डायपोल की एक्सिस पे आएगा जब हम एक ऐसे डायपोल इसके ऊपर सपोज कर लेंगे। ई परपेंडिकुलर जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर वो जाएगा, ठीक है। सो ई पैरेलल की वैल्यू, ये ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल देखिए कितना होगा, ई पैरेलल हो जाएगा आपका ई पैरेलल कॉस थीटा और ई पैरेलल साइन, ई परपेंडिकुलर साइन थीटा, ठीक है। सो ई पैरेलल की वैल्यू कितनी होगी? पीछे जो लिखे हैं फॉर्मूला नंबर 1 आज का, 2p cos थीटा
by 4 pi epsilon naught r cube. ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 2 पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब के बराबर. और जो है ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. ठीक है, पहला नंबर जब डायपोल के एक्सिस पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया था हमारा 2p cos theta by 4 pi epsilon not r cube के बराबर, और जब इक्वेटोरियल की लाइन पे होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा p sin theta by 4 pi epsilon not r cube. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहां से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 2p, या ऐसा पहले लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे E equals to under root E perpendicular का whole square plus E parallel का whole square, E parallel का whole square plus E perpendicular का whole square. So E equals to हो जाएगा under root 2P cos theta by 4 pi epsilon not R cube का whole square plus P cos theta, sorry, P sin है ना, P sin theta by 4 pi epsilon not R cube का whole square. ठीक है, अब देखिए जो जो दो टर्म कॉमन है उस टर्म को थोड़ा सा बाहर ले लीजिए, P square by 4 pi epsilon not R cube क्या है कॉमन का whole square कॉमन है बाहर ले लीजिए, और अंदर में क्या बचा है इसका देखिए 4 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका sin स्क्वायर थीटा, p स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. स्क्वायर है सो अंडर रूट से एक टर्म बाहर आ जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दीजिए. ठीक है, सॉरी कॉस है ना, और कॉस प्लस साइन 1 होता है, सो दिस इज इक्वल टू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1. ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1. चलिए ये हो गया फॉर्मूला जब कोई भी डाइपोल कहीं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चेक करना है जब हमने कहीं पर भी कोई चार्ज रख दिया तो उसकी वैल्यू इतने से दी जाएगी. ठीक, अब इसका थोड़ा पहले डायरेक्शन देख लीजिए, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो हमारा इस डायरेक्शन में है वेक्टर लॉस है. सो लेट सपोज इसका एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, तो इसको ऐसे एक्सटेंड कीजिए और इसको ऐसे एक्सटेंड कीजिए, तो ये कैसा हो गया ई परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया ऊपर वाला ई पैरेलल. सो टेन अल्फा की वैल्यू जो होगी, देखिए टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर बाय, टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया थी अल्फा के सामने वाला ई परपेंडिकुलर और बेस हो गया आपका ई पैरेलल. सो दिस इज इक्वल टू, देखिए ई परपेंडिकुलर की वैल्यू पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई 2 पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, कैंसिल पी से पी कैंसिल. सो यहां से टेन अल्फा जो है क्या मिला आपको, टेन अल्फा जो है ये हो गया 1 बाई 2
साइन बाय कॉस टेन थीटा के बराबर. सो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा. डायरेक्शन हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी रखा जाएगा तो ठीक है. अब देखिए थोड़ा सा ये सही है कि गलत है, थोड़ा सा इसको हमने निकाला क्या ये सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए अगर देखिए, अगर ये चार्ज ऐसा थीटा एंगल पे है, अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया, इसको मूव करवाए और थीटा जो है वो इस डायपोल की एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो. यहां पे डाल के देखिए थीटा जीरो, तो जीरो हो गया मतलब कॉस की वैल्यू वन. सो ये कितना हो जाएगा, 2π/4π ε0 एक्सिस वाला फॉर्मूला आ गया आपका. और जब 90 डिग्री कर दीजिएगा तो ये देखिए परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आ जाएगा. सो ये फॉर्मूला सबसे जनरल फॉर्मूला है, आप किसी केस में इसको लगा सकते हैं, कहीं पे भी चार्ज है आपको परपेंडिकुलर पैरेलल में सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लगाइए, थीटा पता है, डायरेक्टली उसकी वैल्यू को पुट अप कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में. ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. अभी तक देखिए जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर आप देखो तो हमने पढ़ा कि जो दो चार्जेस होते हैं ये दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं जब ये एक दूसरे के फील्ड के अंदर आ जाते हैं. फील्ड के लिए हमने पढ़ा कि फील्ड एक प्रकार का स्पाइडर वेव है जो कि चार्ज अपने आसपास बनाता है. देखिए एक प्रकार का स्पाइडर वेव है जो चार्ज अपने आसपास बनाता है. ठीक है, ये स्पाइडर वेव जो है ये स्पाइडर वेव के कारण इसके कारण जो है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके रीजन में आता है ये इसको इसको जकड़ लेता है, इसको पकड़ लेता है और इसके ऊपर फोर्स लगाता है. और ये डिपेंड करता है कि कैसा चार्ज आया है, इसके ऊपर फोर्स के नेचर से डिपेंड करते हैं, रिपल्सिव अट्रैक्टिव. ठीक है, बट हमने ये देखा है कि वो जो चार्जेस लगाते हैं उसकी एक ताकत होती है, जो चार्जेस जो हैं जो फोर्स लगाते हैं उसकी एक ताकत होती है और वो ताकत अलग अलग डिस्टेंस पे जाने पे हमको अलग अलग मिलती है. ठीक, तो हमको ये परेशानी ना हो उस कॉन्सेप्ट को समझने में, हमको एक परेशानी ना हो, हमने इसके लिए एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट बनाया और उस इमेजनरी कॉन्सेप्ट का हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके ऊपर हम बात करेंगे. ठीक, ये इमेजनरी कॉन्सेप्ट हमको बताता है या ये इमेजनरी कॉन्सेप्ट हमको ये समझने में मदद करता है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगेगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में या फोर्स के नेचर को समझने में ये हमको जो है मदद करता है. बचपन में 10th तक अगर आप देखो तो आपने फिगर्स बनाए होंगे, डायग्राम्स बनाया होगा, अलग अलग तरह के पिक्टोरियल व्यू बनाए होंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया होगा. वो करता क्या था, वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन हमको जो है एक आइडिया देता था ताकि हम वो समझ सके. हमने एक डायग्राम केमिस्ट्री में बहुत बनाया, वो डायग्राम हमें एक कॉन्सेप्ट एक आइडिया देता था कि इस तरह से चीजें की जाती है. बट वो एक रियल कॉन्सेप्ट है, ये एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नाम की ऐसी कोई चीज होती नहीं है, बट हमको परेशानी ना हो इसके लिए हमने इसको इमेजनरी बनाया. इसको हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा कभी नहीं कर दीजिए कि इसको रियल मान लीजिए. नहीं, ये इमेजनरी है, सिर्फ समझने के लिए, समझने में दिक्कत ना हो उसके लिए बनाया गया है. बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रियल होता है. हम जब किसी चार्ज को दूसरे चार्ज के आसपास के क्षेत्र पे ले जाते हैं तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है. ठीक, सो डिफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का.
तो ये डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द इमेजिनरी कर्व्स लाइन दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो इमेजिनरी कर्व लाइन होते हैं जो हमको समझने में मदद करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है. ठीक है, इट गिव्स अस पिक्टोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पिक्टोरियल व्यू देता है. ठीक है, और एक तीसरी पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इट इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. ठीक है, नो सच लाइन एक्चुअली एग्जिस्ट. ऐसा कोई लाइन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर रियल. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रियल होता है. क्लियर है? सो हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियल और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है. ठीक, इसको लिखिए और इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिखते हैं. ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड करता है ऑन नेगेटिव चार्ज. समझिए इसको थोड़ा सा. ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास की जो रीजन है उसमें अपना एक स्पाइडर वेव या अपना एक बोलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जिसके कारण कोई भी चार्ज दूसरा चार्ज इसके अंदर आता है तो वो इसके ऊपर फोर्स लगा करके इसको खींच लेता है या इसको रिपेल कर देता है. ठीक है, तो इस ये जो चार्ज है ये अपने बॉडी से समझिए अपने बॉडी से या यू कहें तो सोर्स की बॉडी से ये बाहर की तरफ निकलने वाले लाइंस होते हैं. बॉडी से बाहर की तरफ ये निकलता है. ठीक है, सो ये लाइन हमेशा इसकी जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आउटवर्ड होगा फ्रॉम द सोर्स. बट वही निगेटिव जो होता है निगेटिव का डायरेक्शन इनवर्ड होता है. इलेक्ट्रिक लाइन उसमें आकर के इनवर्ड डायरेक्शन में उस पर आती है. ठीक है, इस तरह से. अब जो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है एक पॉजिटिव चार्ज से आ रहा है, ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसा मान लीजिए हमने रखा और ये इसके आसपास सभी जगह में एक ऐसा इसने अपना लाइंस बना दिया. ये लाइन ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे बट जैसे ही इनको कोई दूसरा निगेटिव चार्ज दिखा, गौर कीजिए लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पॉजिटिव से शुरू होगा और जैसे ही रास्ते में इसको कोई दूसरा निगेटिव चार्ज दिखता है ये उसके अंदर चला जाएगा, उसके अंदर जाकर के खत्म हो जाएगा. सो इसी के लिए हम कहते हैं कि उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है. स्टार्ट पॉइंट क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज. और एंड पॉइंट क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म. ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर आइए. द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. देखिए थोड़ा सा समझिए इसको. ये मान लो कि ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रिक लाइन जो है इस तरह से है. ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो इस तरह से बने हुए हैं. ठीक है, ये लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के साथ बढ़ते जाते हैं,
स्टार्ट पॉइंट इनका क्या होगा, यहाँ पे कहीं इस साइड कहीं पे भी आपका एक पॉजिटिव सोर्स होगा, और ये सब ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं, इन सब का एक डायरेक्शन है, और ये स्टार्ट किया हुआ है, इधर कोई निगेटिव आएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम कहीं पे भी, ये सारे कर्व्स लाइन है, हम इसके ऊपर कहीं पे भी, सपोज यहां हमने हमने यहां पे एक चार्ज माना और एक ड्रॉ किया टेंजेंट, ये पोजिशन हो गया, यहां पे एक चार्ज है टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, यहां पे एक चार्ज है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसा हो जाएगा, यहां पे कोई चार्ज है टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यहां पे कोई चार्ज है डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। सो डायरेक्शन किधर भी हो, फील्ड कैसे है, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इस डायरेक्शन में, तो अगर हम इस कर्व लाइन के ऊपर कोई भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी वो उसके टेंजेंट ड्रॉ करने पे निकल जाएगी, समझ रहे हैं? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गए तो फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल वही होगा, फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आइए, जो अभी इसके पीछे पीछे हमने डिस्कस कर लिया है इसको, थर्ड प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड दे शो या दे रिप्रेजेंट इज रियल, ठीक है, फोर्सेज वो इमेजिनरी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सही होगा, क्लियर है। अब जो है फोर्थ नंबर पॉइंट पे आइए, ठीक है, लिखिए फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है कि इन एसआई सिस्टम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिनेटिंग फ्रॉम चार्ज क्यू आर ऑफ क्वांटिटी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब है कि कोई भी चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, उस पे कितने फोर्स, कितने लाइन ऑफ फोर्स बाहर जा रहे हैं या कितने अंदर आ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मान लो कि ये एक कूलम कोई चार्ज, यहां पे एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो इस एक कूलम पॉजिटिव चार्ज से कितने लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगे, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए वन कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12, और सॉल्व कर लीजिए जितना आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद क्लियर है, फाइव नंबर पे आ जाइए, क्या है कि टू लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि अगर ऐसा वो करते हैं, सपोज ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स था जो कि इस तरह से ऐसा आगे जा रहा था, मान लो दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आया और इसने इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, क्लियर है। तो अगर इसने इसको इंटरसेक्ट किया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, और दूसरा डायरेक्शन इसी पॉइंट पे इधर हो गया, क्लियर है, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो ये डायरेक्शन हो गया। तो देख रहे हैं एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फोर्स का कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। सब यहां पे क्या हो गया, एक टेंजेंट इधर चला गया और एक टेंजेंट चला गया उधर, सो इसके दो डायरेक्शन हो गए, एंड दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि फोर्स के दो डायरेक्शन हो, ठीक है। चलिए सिक्स नंबर प्रॉपर्टी पे आ जाइए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर डिसकंटिन्यूअस लूप, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस लूप होते हैं। कहने का मतलब कि वो उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है और एक एंडिंग पॉइंट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है पॉजिटिव चार्ज और एंडिंग पॉइंट होता है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेगा ऐसा आगे बढ़ेगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा और जैसे ही एक नेगेटिव चार्ज आएगा सब इसमें जाकर के खत्म हो जाएगा। सो सबके एक पॉजिटिव चार्ज होती है और एक नेगेटिव चार्ज होती है। उसके बाद सेवन नंबर प्रॉपर्टी जो है, ये सेवन नंबर प्रॉपर्टी
बहुत जरूरी है। ये है द क्राउडिंग ऑफ लाइन, द क्राउडिंग ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसको थोड़ा, ठीक है, इस तरह से ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है, सबका डायरेक्शन एक तरफ है। क्राउडिंग, इसकी भीड़ देखिए यहां पे, क्राउडिंग मतलब भीड़, इसकी भीड़ देखिए यहां पे। हमने यहां पे सपोज एक ऐसा रिंग रखा, तो देखिए क्या देखते हैं आप, इस रिंग जो है 1 2 3 4 5 6 7 सेवन लाइन इस रिंग के थ्रू पास करता है। यही रिंग को अब आप यहां रखिए ऐसे, क्या देख रहे हैं, सेम साइज का रिंग है, बट यहां पे 7 लाइन इसके अंदर आ रहे हैं, 7 लाइन टच कर रहा है उसको, और यहां पे मात्र 2 लाइन इसके थ्रू पास कर रहा है। इसी रिंग को हम लेकर के गए और यहां ऐसे लगा दिए, अब कितना लाइन, 3 लाइन पास कर रहा है। ये रिंग लेके गए यहां पे ऐसे लगा दिए, तो 4 लाइन पास कर रहा है। तो क्या हुआ कि जो क्राउडिंग होती है, वो क्राउडिंग हमको बताती है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। मोर द क्राउडिंग मोर द स्ट्रेंथ, लेस द क्राउडिंग लेस द स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा क्राउडिंग उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ, और जितना कम क्राउडिंग उतना ही कम स्ट्रेंथ। क्लियर है? उसके बाद ये 7 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है कैरेक्टरिस्टिक इसकी, द लाइन लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। क्लियर है? मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसकी टेंडेंसी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है बीच से, और इसी कारण इट इज दी कॉज ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का ये कारण है। कैसे, देखिए थोड़ा सा, एक लाइन ऑफ फोर्स है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के वो नेगेटिव तक गया, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव तक वो गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने में, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में इसको सपोज 10 20 50 लाइंस चले गए और नेगेटिव में एंटर कर गया। तो इसकी नेचर के नियम का नियम है कि वो कभी भी, जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो कभी भी लंबा अपने आप को फैला करके नहीं रख सकता, फैला करके वो रखना अपने आप को नहीं चाहता है। सो उसका नियम है कि वो अपने आप को सिकोड़ता है, सो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा है कि जब हम किसी इलास्टिक बॉडी को खींचते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, और जैसे ही वो डिफॉर्म होता है, खुद को रिस्टोर करने के लिए वो एक इक्वल अमाउंट ऑफ, गौर कीजिए, खुद को रिस्टोर करने के लिए वो एक इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, उतना है फोर्स जितना हमने उसको डिफॉर्म करने के लिए लगाया था। यहां पे सिमिलर उस तरह का ही एक कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को सिकोड़ना चाहता है, तो इसके लिए एक फोर्स लगाता है और सिकोड़ लेता है और अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो 8 नंबर प्रॉपर्टी हो गई कि द लाइन ऑफ फोर्सेज हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। क्लियर है? अब देखिए 9 नंबर प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्लियर है? 9 नंबर प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक लाइन, या ऐसा लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल्स ईच अदर ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली ये एक दूसरे को रिपेल करता है, एंड बिकॉज ऑफ विच, या ऐसा लिखेंगे एंड इट इज द कॉज ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन का कारण भी वो बन जाता है। देखिए इसको, सपोज एक पॉजिटिव लाइन और यहां से एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक लाइन आया और वो नेगेटिव में एंटर कर गया, ठीक है। दूसरा लाइन आया और वो इसमें ऐसे सीधा जाना चाहता है, दूसरा लाइन आया और वो चाहता है कि वो नेगेटिव में सीधा चला जाए, बट ये पहला लाइन
इसको ट्रांसवर्सली ऊपर की तरफ, ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंगली इसको धकेलता है, रिपेल करता है। सो ये लाइन इस तरह से न रह कर करके ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है इस तरह से, कुछ क्लियर है? ठीक। और यही कारण है कि ये एक दूसरे को रिपेल करता है। दो लाइन, पहला प्रॉपर्टी, दो लाइन अपने आप को रिपेल करती है ट्रांसवर्सली, और एक लाइन अपने आप को खींचती है, छोटा करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको डिटेल्स में जाते हैं इसके। अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, क्लियर है? सभी डायरेक्शंस में है। इस तरह से इस डायरेक्शन में, और इस धर भी जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ही है। डायरेक्शन इसका आउटवर्ड होगा, कभी निगेटिव डायरेक्शन मत बना दीजिए, ठीक है? इस तरह से ये लाइन जो है अपने आप को सिकोड़ना चाहती है, ऐसे सिकोड़ना चाहती है, और ट्रांसवर्सली ये दूसरे लाइन को जो है वो धकेल देती है। तो लाइंस जो है वो तो ऐसे जा रहे हैं, यहां से ऐसे निकल रहा है, ठीक है, बट ये एक दूसरे को धकेल देता है। तो धकेलने के कारण ये जो है इस तरह का एक शेप ले लेता है, ठीक है, इस तरह का एक वो शेप ले लेता है, क्लियर है? और ये है कारण ऑफ, या ये है रीजन ऑफ फॉर रिपल्सन, क्लियर है? निगेटिव के लिए भी सेम फिगर बनेगा, सिर्फ एरो के साइन को उल्टा कर दीजिएगा। बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ एरो, और एरो का जो डिजाइन है वो बना दीजिए, क्लियर है? चलिए अब जो है एक दो फिगर है देख लीजिए थोड़ा सा, सिप्स के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। एक पॉइंट चार्ज है इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे। लाइन डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो इसके चारों तरफ एक सिलेंडर इमेजिन कर लीजिए। इसका यूज जो है आपको गॉसियन लॉ में बहुत बढ़िया से आएगा, गॉसियन लॉ जब पढ़ेंगे उसके अंदर। तो इसमें लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से होंगे, रेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों साइड, लाइन है तो दोनों साइड होगा, क्लियर है? अगर प्लेन सरफेस है, प्लेन है, इसको ऐसे बनाइए, अगर एक प्लेन है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक लाइन बनेंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ठीक, सारे जो है सारा इलेक्ट्रिक लाइन ये रेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा। दिस आर रेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या यूनिफॉर्म कह सकते हैं, रेगुलर बोलिए चाहे यूनिफॉर्म बोलिए एक ही चीज, ठीक है? चलिए इसको लिख लीजिए।